الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बुजुर्गों भाइयों और अजीजों आपको याद होगा अगर आप गुज़श्ता जुमा तशरीफ लाए होंगे कि मैंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज की थी। वो चूंकि खलीफ़तुर रसूल हैं और बाकी जितने खुलाफा हुए हैं वो अमीरुल मोमिनीन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन होने का शरफ सिर्फ सिद्दीक अकबर को हासिल है, बाकी हर खलीफा जाने वाले खलीफा का जानशीन है। खलीफा कहते ही उसको है जो जाने वाले के बाद आता है। खिलाफत अगरचे एक इस्तिलाह है इस्लाम की, लेकिन उसकी बाहर डुगवी माना भी मोतबर है। इस लिहाज से हर आने वाला जाने वाले का खलीफा होता है, तो चूंकि हुजूर तशरीफ ले गए तो उनके बाद हुकूमत की बागडोर सिद्दीक अकबर ने संभाली, इसलिए उम्मत में खलीफत रसूल होने का एजाज सिर्फ आपको हासिल। उमर फारूक अगर खलीफा हुए हैं तो वो हज़रत सिद्दीक अकबर के खलीफा है, हज़रत उस्मान हज़रत उमर के खलीफा है, और हज़रत अली हज़रत उस्मान के खलीफा है, लेकिन इन तमाम को अमीरुल मोमिनीन कहा गया। खलीफतुर रसूल अगर किसी को कहा गया है या खलीफा के नाम से पुकारा गया है तो वो सिद्दीक अकबर हैं। वो चूंकि पहले खलीफा हैं इसलिए उनकी बाज़ खुसूसियात, वो इस उम्मत का सरमाया ही नहीं बल्कि हमारे कानूनी मीरास का हक रखती और उसकी हैसियत रखती। इस लिहाज से बाज़ बातें मैंने उनकी खिदमत उनके हवाले से अर्ज की थी, लेकिन मैं उसको बहुत अधूरा समझता हूं। इसे आज मैं मजीद कुछ बातें उनके हवाले से, बल्कि कहना चाहिए इस्लामी तसव्वुरात के हवाले से और उसकी बुनियादों के बारे में मैं चंद बातें आपसे कहना चाहता हूं। और इसी हवाले से मैंने कुरान करीम की आयत भी पढ़ी है। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बरसरे खिलाफत आकर जो पहला खुतबा इरशाद फरमाया है उसमें आपने चंद बातें इरशाद फरमाई। उनमें पहली बात यह है
कि लोगों मैं तुम में से बेहतर नहीं। हालांकि इसमें कोई शुबा नहीं है कि हजरत अबू बकर इस उम्मत में अल्लाह के नबियों के बाद सबसे बेहतर है, आपकी फजीलत अहादीस से साबित है। यानी आपको अफजलुल खल्क के बाद अंबिया कहा गया, तमाम मखलूक में नबियों के बाद अफजल है सबसे। लेकिन आपने अपने तौर पर जो फरमाया है वो ये है कि लोगों मैं तुम में से अफजल नहीं, मैं क्या ऐसी कोई खास फजीलत नहीं रखता, ऐसी खास खसूसियत नहीं रखता कि मैं तुम्हारा अमीर बना दिया जाऊं। लेकिन चूंकि तुमने मुझे चुना है, तुम्हारा इंतखाब मुझे मजबूर करता है कि मैं जिम्मेदारी को संभालूं। मैं जिम्मेदारी को इसलिए नहीं संभाल रहा कि मुझे दावा यह है कि मेरा दिमाग तुम सबसे बेहतर है, मेरी सलाहियतें तुम सबसे बेहतर हैं, या मेरे अंदर और कोई सुरखाब का पन लगा है, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब यह जो पहला तसव्वुर उन्होंने दिया है वो यह है कि उम्मत के वो लोग जो बरसर इख्तदार आए और उम्मत के मामलात को संभालें, उन्हें कभी भी बरसर खुद नहीं, यानी कभी इस पिंदार के शरीर में कभी भी उनको मुब्तला नहीं होना चाहिए कि वो शायद सारी उम्मत का दिमाग है, सारी उम्मत के दिमागों का निचोड़ है। अगर वो ना होते शायद उम्मत डूब जाती, और वही आए हैं शायद इनकी निजात के लिए निजात दहिंदा बनकर। जब किसी आदमी में इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं तो फिर वो मशवरा लेने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। आपने देखा होगा घर का सरबराह अगर इस किरदार में मुब्तला हो जाए कि जो अकल खुदा ने मुझे दे रखी है घर वालों में किसी को भी नहीं, वो गलतियों पर गलतियां करेगा लेकिन अपनी गलतियों को कभी तस्लीम नहीं करेगा। उसको तवज्जो दिलाई जाएगी, वह तवज्जो दिलाने वालों की कम अकली पर महमूल करेगा। लेकिन जो आदमी दयानदार जीजा समझेगा कि मैं इनकी तरह का एक आदमी हूं, मैं भी एक राय रखता हूं, और ये जो मेरे साथ दूसरे दोस्त हैं, दूसरे अहबाब हैं, दूसरे लोग हैं, इनकी अब अपनी भी एक राय है, मैं सही भी सोच सकता हूं, गलत भी कह सकता हूं, और यही दोनों चीजें इनमें भी हैं। लेकिन जब हम मुशावरे से किसी काम को करेंगे तो चूंकि मशवे पर अल्लाह का हाथ होता है तो हमें वो गलतियों से बचाएगा। तो फिर आप देखेंगे वो हमेशा शूरा पर, या आज के जमान में कह लीजिए अपनी पार्लियामेंट पर एतमाद करेगा, वो उनके मामले को आगे बढ़ाएगा और अपनी जात को कभी अहमियत नहीं देगा। और अगर वो अपनी जात को अहमियत देने लगे तो एक तो ये नुकसान होता है जिसका मैंने जिक्र किया है, और दूसरा नुकसान यह होता है कि वह अपने आप को नागुजीर समझ लेता है। वो समझता है कि इस उम्मत का की निजात का दारोमदार वो मेरी जात पर है, अगर मैं ना रहा तो ये उम्मत तबाह हो जाएगी। इसलिए हर सूरत में चाहे मैं कोई अच्छा काम करता हूं या गलत, सही करता हूं या सही नहीं करता, मुझे इनके कंधों पर चढ़ के बैठना चाहिए, वरना ये उम्मत डूब जाएगी, मैं इनका निजात दहिंदा दूं। इस्माइल मेठी मरहूम ने जगह लिखा है कि कोई लकड़ी पानी में तैर रही थी दरिया में, तो अगर पत्थरों से आगे टकराया उसने उसको दबा लिया, तो लड़की और लकड़ी ने मुश्किल होकर यह कहा कि मुझे वो बेअदब क्यों तूने छेड़ा, जो मैं डूबी तो बस डूबा ये बेड़ा, मेरी वजह से दरिया बह रहा, और यहां तूने अगर मुझे दबो दिया समझे ये दरिया नहीं बहेगा, ये बेड़ा नहीं तैरेगा। यानी जब किसी दिमाग में खराबी पैदा होने लगती है ना, तो मामूली लकड़ी भी हो तो उसके अंदर ये इश्तेहार और ये इस तरह का पिंदार पैदा हो जाता है। ये इंतहाई नुकसानदेह है, इसलिए सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले इसकी जड़ काटी है कि देखो मैं तुम्हारी नागुजीर नहीं, अगर मैं नहीं हूंगा अल्लाह किसी और से काम ले लेगा, और मेरी राय तुम सबके राय के बराबर नहीं है। मैं जब भी काम करूंगा मशवरे से करूंगा, मैं अपनी राय को कभी इस तरह नहीं समझूंगा कि तुम गलत सोचती हो मैं ही सही सोचता हूं। तो पहली ये बुनियाद रखी इस्लामी अहकाम के आदाब की और इस्लामी हुकूमत के अदब की कि उसका सरबरा इस गलत फहमी में कभी मुब्तला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई कि मैं तुम सबका नुमाइंदा अपनी जात, आज के बाद मेरी जात कोई शह नहीं, मैं जिस तरह अपने बच्चों के बारे में सोचता था ना,
अब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। क्योंकि खलीफा वक्त बाप होता है उस उम्मत का। इस्लामी तसव्वुर यह है कि असल उसकी जो रियाया है ना, वो उसकी औलाद है। वो उनके बारे में बिल्कुल इस तरह सोचता जैसे अपने बच्चों के बारे में सोचता, बल्कि बाद में रियाया के इज्तिमाई मफादात पर अपने बच्चों के मफादात को कुर्बान कर देता। और सिद्दीक अकबर ने भी, हज़रत उमर फारूक ने भी, बल्कि तमाम खुलफाए राशिदीन ने कदम कदम पर इस बात को साबित किया कि हमारी औलाद से तुम हमें ज्यादा अजीज हो। इसलिए कि जब तुमने हमें अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी है ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारियों के हम निगरान हैं, हम वारिस हैं, हम जिम्मेदार हैं। और अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो कल को अल्लाह के यहां पूछे जाएंगे। आप अंदाजा करेंगे ये मामूली बात है मेरे ख्याल में। आज के दौर में तो खैर इसको कोई समझा ही समझता ही नहीं कि ये भी बुराई हो सकती है, लेकिन वैसे भी आम नेक लोगों की आप ये को बुराई नहीं समझ जाती कि हज़रत उमर फारूक के साहबजादे वो कूफे गए किसी काम के लिए। वहां हज़रत अबू मूसा अशरी गालिबन गवर्नर थे। उन्होंने उनसे फरमाया कि अब जो तुम आ ही गए हो यहां और तुम्हें वापस जाना है तो खाली हाथ क्यों जाओ, तुम यहां को कारोबार कर लो। यहां की मंडियों में फला फला चीजें हमारी मंडियों की नस्बत सस्ती मिलती हैं, तुम वो खरीदो अपने साथ ले जाओ और वहां जाकर बेच देना, असल सर वापस कर देना और नफा खुद रख लेना। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं एक हुक्मरान का बेटा जरूर हूं, लेकिन वो तो आप जानते हो शायद इस मुल्क का गरीब तरीन आदमी है, उसके पास कुछ नहीं। उन्होंने औलाद को भी कहा अमीर होने दिया, मेरे पास तो कुछ कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बैतुल माल भरा हुआ है सरमाए से, मुसलमानों का बैतुल माल अमीर है, मैं तुम्हें कर्ज दे देता हूं। तो तुम कर्ज से यहां घोड़े खरीदो और चीजें खरीदो, वहां जाकर महंगे दामों, वहां चूंकि चीजें महंगी बिकती हैं तो बेच देना, असल सर बैतुल माल में जमा करा देना और नफा खुद रख लेना। अब देखिए इसमें ऐसी क्या बात है कि हम तिजारत करिए बैंकों से या स्टेट बैंक से, ये अलग बात है कि सूद के साथ कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज तो देते हैं ना, स्टेट बैंक भी कर्ज देता है। और अपने मुल्क जो बैंक इसलिए होते हैं कि अगर वो कारोबार करना चाहते उनको कर्ज दे। लेकिन उमर ये सोचते थे कि अगर तो सबको कर्ज मिलता होता तो मेरा बेटा भी दे देता, लेकिन अब जब उसको कर्ज मिल रहा है ना तो वह इसलिए मिल रहा है कि वो उमर का बेटा। हालांकि उमर फारूक ने अपने दौर में बहुत दूसरे लोगों को भी कर्ज दिए। ये मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, शायद बड़े बड़े अहले इल्म में ये बात ना हो, ये उनके इल्म में ना हो ये बात कि अबू सुफियान की अहलिया जो तारीख में बदनाम भी है, इसलिए ऐसा हमजा का कलेजा खाना चबाने की कोशिश की थी उन्होंने, जिनका नाम हिंद है और हमारी तारीखों को हमेशा हिंदा लिखती है, हिंदा नहीं है नाम हिंदी है उनका। उन्होंने बाकायदा उमर फारूक से दरखास्त लेके इजाजत ली कि आप बैतुल माल को हुक्म दें कि मैं खुद से कारोबार करना चाहती हूं। अब मैंने मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि उस वक्त अबू सुफियान इंतकाल कर चुके थे या जिंदा थे, यह मैं इसके बारे में शोर नहीं हूं कि वाकई इसमें सही बात क्या थी, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि शायद वो इंतकाल कर चुके थे। उन्होंने कहा इसका एक तो मतलब इससे ही मालूम होता है कि इस्लाम औरतों को तिजारत की इजाजत देता है, वो उनके हक के मलकी को तस्लीम करता है, लेकिन वो जो काम भी करने की इजाजत देता है ना, साथ पहले ही हुक्म देता है कि अपनी नस्वानियत को ना भूल जाना, अपने आप को और समझना, यानी पर्दे में रहकर काम करना। शायद मेरा आप इशारा समझे हो, हमारी तारीख में या यूरोप में जो हुकूक दिए हैं औरत को, वो औरत को नहीं दिए, माई मुंडों को दिए। उनको पहले औरत से निकालना कि तुम औरत नहीं हो, उनकी नस्वानियत छीनी उनसे, उनको औरत होने के तकद्दुस से महरूम किया, उनको दीवारों पर और बड़े बड़े बैनरों में चढ़ा के ऊपर यह साबित किया कि तुम तो मामूली एक इश्तिहार का माल हो, तुम्हारी कीमत ऐसी है जैसे मामूली इश्तिहार की होती है, इसलिए हमारे यहां तुम्हारा तकद्दुस नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, वो भूल जाओ तुम।
अलबत्ता यह है कि हम तुम्हें हक मलकियत देते हैं, तो तुम अगर कर्ज लेना चाहो, तुम कारोबार करना चाहो, नौकरियां करना चाहो, करो। इस्लाम ये सारे हुकूक देता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम अपना औरत होना कभी नहीं भूलोगी और तुम्हें बराबर औरत का तकद्दस और एहतराम मिलता रहेगा। इसलिए जहां तुम्हारे औरत का तकद्दस और एहतराम को मजरूह होने का अंदेशा होगा, वहां हम तुम्हें ना नौकरी करने देंगे ना कारोबार करने देंगे। तुम टीचर बन सकती हो, लेकिन ख्वातीन यूनिवर्सिटियों में, बच्चियों के अदारों में, छोटे बच्चों के अदारों में, लेकिन हम तुम्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लेवल पर लड़कों को पढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। यानी देखो, उनको मुलाजमत की इजाजत नहीं, लेकिन उनके दायरों में उन्हें मुसलमानों के सवाल का हुक्म दिया है, और यह ज़ाहरा बिलवास्ता अहकाम है कि तुम इनको मुलाजमत है दो, अगर जरूरत पड़े इसकी। अवलन तो औरत को जरूरत नहीं है मुलाजमत की, उसका बेटा, उसका बाप, उसका शौहर वो उसकी जरूरियात का कफील है। घर में अगर एक दिया सराई भी नहीं है ना, तो वह घर में आराम से बैठेगी, उसका शौहर आएगा, दिया सराई आएगा तो चूल्हा जलेगा। वो पाबंद नहीं है कि जाके लाए, घर की एक एक चीज का फराहम करना वो बाप बेटा और शौहर की जिम्मेदारी है। जैसे जैसे बदलती जाती है, अगर अपने बाप के घर में या बेटे के घर में या शौहर के घर में, लेकिन अगर कभी जरूरियात मजबूर कर दे उसे मुलाजमत के लिए, तो मुलाजमत मिलेगी, लेकिन इन हवालों से कि वो औरतों में काम करें, बच्चों में काम करें, लड़कियों में काम करें, उनके उसका एहतराम कहीं मजरू ना होने पाए, उसके तकद्दस में हाथ नहीं आनी चाहिए। तो इस लिहाज से हजरत हिंद ने, अब उनको रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहूंगा, इसलिए कि अगर जो ने एक बड़ा जुर्म किया, लेकिन कुफर की हालत, कुफर की हालत के जरायम आप जानते हैं, इस्लाम आने के बाद खत्म हो जाते हैं। एक आदमी ने हुजूर से अर्ज किया था कि मैंने अपनी कितनी बेटियां जिंदा दरगोर की, मेरा क्या बनेगा। आप उसकी तीन तरह आपने कहानी सुनी और बार बार रोए बच्चियों के सदमे से, लेकिन फिर आखिर फरमाया कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो इस्लाम लाने के बाद, तुम अगर इतने गुनाह भी करते कि जमीन और आसमान भर जाते, इस्लाम के बाद सब खत्म हो जाते, तो क्या हिंद का गुनाह खत्म नहीं हुआ। लेकिन हमारे मुअर्रख हैं कि ये उनको माफी देने को तैयार नहीं। इस्लाम माफी दे चुका, हुजूर माफी दे चुके, हुजूर उनकी बैत कबूल कर चुके, उनकी शिकायत सुन चुके, उनका मुतालबा कर चुके। हज़रत उमर फारूक जैसा सख्तगीर आदमी भी, जब उनसे कहा गया कि मुझे आप कर्ज दीजिए, आपने बैतुल माल को हुक्म दे दिया कि कर्ज दो इन्हें, चुनाचे उनको कर्ज दिया गया और वह बनू मुगीरा के इलाके में जाकर उन्होंने कारोबार किया, और अल्लाह ने कारोबार में बरकत दी और उन्होंने असल घर वापस किया। इसको मालूम यह होता है कि मर्द हो या औरतें, इस्लामी हुकूमत में बैतुल माल से कर्ज लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन देखिए उन्हें किस तरह अपने आप को बचाया कि हमारे बेटे वो हक भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो दूसरे मुसलमान कर सकते, ताकि हम पर अरपना है। चुनाचे ऐसा मूसा अशरी ने जब उनको ऑफर की, उन्होंने नहीं समझा, उन्हें कहा कि जुर्म तो नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मुझे कर्ज दे दीजिए, कर्ज ले लिया, वहां से कुछ खरीदा, यहां आकर बेचा, ज़ाहरा बचत हुई, वो रख ली, असल घर वापस कर दिया। हज़रत उमर फारूक को जब पता चला, आपने फौरन जवाब तलबी कर ली, और साथ अबू मूसा अशरी की भी, कि तुमने इसलिए कर्ज दिया कि मेरा बेटा, और उनसे कहा तुम्हें यह ख्याल ना आया कि मेरे बेटे मेरे बाप पर अर्फ आएगा। कहा बताओ कितना कर्ज लिया था, बताया उन्होंने, कहा कितनी बचत हुई, साफ कुछ वसूल करने के बाद असल जर बैतुल माल में नफे समेत जमा करा दिया गया। कहा चूंकि ये बैतुल माल के सरमाए से बचत हुई है, ये तुम्हारी नहीं है, ये बैतुल माल की। तो अगर मैं कह ये रहा हूं कि उन्होंने इस तरह से बाकायदा इस बात को साबित किया कि लोगों हम तुमसे बेहतर नहीं है, हम पर जो जिम्मेदारियां डाली गई है ना, तुमने चुनाव किया है हमारा,
हम इस तरह तुम्हारी हुकूक निराधाश करेंगे कि दुनिया देखेगी कि अपने बच्चों को पीछे रखेंगे, तुम्हारे बच्चों को आगे रखेंगे, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे होंगे। और यही वजह है कि मुसलमानों के किसी बच्चे ने शिकायत की है तो उमर ने बिल्कुल इस तरह तलाफी की है कि शायद वो अपने बेटों को भी नहीं कर सकते थे। और जब आपका हर शदीद जख्मी हालत में अल्लाह की तरफ जा रहे थे, उस सहाबा ने दर्दमंदी से पूछा था कि अब्दुल्लाह अपने उम्र में किस बात की कमी है, वो बेशतर गजवात में हुजूर के साथ शरीक रहे, हुजूर आखिर उम्र तक उन पर एतमाद फरमाते रहे, इत्तबाए सुन्नत में कम कम लोग उन जैसे होंगे, वो अपने दौर के फकीह भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, और क्या चाहिए, क्या चीज है जो उनमें नहीं है जो बाकी साहबा में हो, तो क्या हम उनको खलीफा ना बना लें आपके बाद। आपने इस बात को रोकने के लिए ताकि यह सिलसिला आगे ना बढ़े, यह मिसाल ना बन जाए, और ना तुम उस आदमी को खलीफा बनाना चाहते हो जिसको तलाक देना भी नहीं आती, हालांकि बहुत पहले एक दफा गलत तरीके से तलाक दे बैठे थे, उस पर हुजूर ने बरहमी दिखाई, नाराज हुए, डांटा हसन अब्दुल्ला ने उमर को, यह बहुत इत्तला की बात है हुजूर के बहुत जिंदगी में, उस बात को कभी नहीं भूले। पर मैं जिस आदमी को तलाक देना नहीं आती वो खलीफा बनेगा, कहा खबरदार इस खानदान की तरफ से मैं ही काफी हूं इतनी बड़ी जिम्मेदारी की जवाबदेही के लिए, मेरे खानदान में से किसी का इंतखाब ना कर। इससे आप अंदाजा करें कि वो किस तरह जमहूर की राय को अहमियत देते थे, और इसकी बुनियाद सिद्दीक अकबर ने रखी थी कि जिस तरह वो हर काम मुशावरत से करते थे, उसने वो इस काम को अहमियत देते थे कि मुशावरत की, इज्तिमाई मुशावरत की अहमियत इसलिए है कि असल जो अल्लाह के बाद अमानत जिनके इख्तदार की मेरे पास है वो अवाम है और उनके पढ़े लिखे लोग हैं और उनके वो लोग जो सहाबुर राय हैं, ये फर्क समझो। इस्लाम जिस जमहूरियत की बात करता है उसमें अवाम को इख्तदार का सरचश्मा नहीं कहता, जो मगरबी डेमोक्रेसी कहती है, वो कहता है इख्तदार का सरचश्मा अल्लाह की जात, वो हमें कुरान और सुन्नत से मिलेगा। यह नहीं कि अवाम जिस बात को सपोर्ट करना शुरू कर दे और जिस बात की मुखालफत करना शुरू कर दे वो एक हकीकत बन जाए, वो हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं कर सकते, चाहे पूरी दुनिया के अवाम इकट्ठे हो जाए दुनिया इस्लाम के, इसी इख्तदार को अल्लाह को जेब देता, सरवरी जेबा फकत उस जात बेहमता को है, हुक्मरान है एक वही, बाकी बोताने आजरी, बाकी सब हाजिर के बोत, ऐसे हम आईन और कानून तो वहां से लेंगे, ऐसे न किसी को आईन मुअत्तल करने का हक है और न किसी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आईन देने का हक है। आईन वो बनेगा जिसमें बुनियादी तौर पर रहनुमाई इस्लाम के हक में हो, उन निगाहों से बनेगा, उन पाकीजा राय से बनेगा जो साहिब और राय लोग होंगे, और साहिब और राय लोग कौन होंगे, जो इस्लाम को जानते भी हो, इस्लाम पर अमल भी करते। याद रखो वो आदमी साहिब राय नहीं है इस्लाम की निगाह में जो अपने वक्त का अल्लामा हो लेकिन उसका अमल इस्लाम के खिलाफ हो, जो नमाज नहीं पढ़ता चाहे उसे नमाज के अहकाम पर किताबें लिखी हो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, जो आदमी हुकूमत के हाथों में बिकता है और उनके मतलब की बात करता है, वो कोई बात करने से पहले अल्लाह के दीन की तरफ नहीं देखता, अल्लाह की नाराजगी को नहीं देखता बल्कि हुक्मरान की नाराजगी को देखता, याद रखो वो हमारे काम का नहीं है। मैं शायद वक्त आएगा किसी वक्त मैं इस पर बात करूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कि जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरियत की, उसमें इख्तदार आला अल्लाह की जात के पास है और यह अल्लाह के रसूल के पास है, कुरान और सुन्नत उसके सर चश्मा है, उसके बाद इजमा और क्यास हमारे अदिल्ला शरिया में से है, इन चार चीजों को हम देखेंगे और किसी चीज को नहीं। इसलिए जो फैसला होगा वह शूरा करेगी और शूरा में वो लोग होंगे जिनके पास इल्म भी होगा जिनके पास अमल भी होगा। हसन करम अल्लाह वजो ने जब आहद रसल्लासम से पूछा कि हजूर के बाद, हजूर आपके बाद तो नए नए मसायल भी पैदा होंगे,
तो क्या करेंगे हम लोग। फरमाया दो तरह के लोगों से मशवरा करना, एक बताया साहिब तकवा साहिब फतवा लोगों से, यानी जो इनमें दीन में इतनी महारत रखते हो कि फतवा दे सकते। हर कठपुनिया फतवा नहीं दे सकता। और दूसरा फरमाया साहिब तकवा लोगों से जो दीन पर अमल करते। जिस आदमी की जिंदगी अल्लाह के दीन के अहकाम के मुताबिक नहीं गुजरती, याद रखो वह दीन के मिजाज से आशना कभी नहीं हो सकता। उसका एक मिजाज है इस दीन का। इसी के दीन की समझ के लिए बाद अल्लाह की तरफ से इल्हाम भी होता है दिलों में। इब्ने तैमिया जैसा आदमी, जिनके बारे में अबुल कलाम की सही राय मालूम होती है, उन्होंने कई बड़े बड़े लोगों की उस जमाने की उलमा की राय लिखी कि वह अपने दौर के 500 साल में गुजरे हुए उलामा में सबसे बड़ा था, अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम। लेकिन उनका भी हाल यह था कि अल्लाह ने उनको इस कदर आर्जी दे रखी थी। वो कहते जब कभी मैं इस्लामी उलूम पर गौर व फिक्र करता हूं, मैं कहीं रुक जाता हूं और कोई बात में समझ में नहीं आती, तो मैं आमतौर पर कोई ऐसी मस्जिद तलाश करता हूं जिसका संभालने वाला कोई ना हो। आमतौर कब्रस्तानों में जो मस्जिद बाद लोग बना देते हैं और वहां 5 वक्त अजान भी नहीं होती, कोई सफाई नहीं करता। क्या मैं ऐसी बेआबाद मस्जिद को तलाश करता हूं और वहां जाकर मैं झाड़ू देता हूं। जब मैं पूरी तरह इसके गुबार में लथपथ हो जाता हूं ना, फिर मैं लेट जाता हूं अल्लाह के सामने और दोनों के रुखसार और मलता हूं जमीन पर और रो रो के अल्लाह से कहता हूं कि या अल्लाह मेरी अकल मेरा इलम इंतहा तक पहुंच गया, बेबस हो गया, अब मैं तुझसे आर्जी से अर्ज करता हूं कि मेरी रहनुमाई फरमा। ये वो लोग हैं जो इस उम्मत की रहनुमाई का फर्ज अंजाम देते हैं। ये अकड़ पकड़ करने वाले लोग जो अपने बारे में समझे कि मैं तो ये कहता हूं, मैं तो वो कहता हूं, जहां मैं आ गई और कुरान और सुन्नत का हवाला निकल गया। याद रखो अपने वक्त का शैतान तो हो सकता है, वह अपने वक्त का आलिम नहीं हो सकता। ये पहचान करो इन लोगों में। हमारे यहां तो इमाम बुखारी को हमने देखा है कि वो गारमन बगदाद में शायद गए, 100 सवाल उनसे किए गए, उन्हें बेशतर सवालों के जवाब में कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। यानी इस कदर अल्लाह से डरने वाले वो लोग थे, वो नहीं समझते थे इस बात को कि मैं मेरे बारे में लोग न जाने क्या समझते हैं। जब मैं बात बात को जवाब दूंगा कि मैं नहीं जानता, तो ये मेरे इल्म के बारे में क्या क्या अंदाजा करेंगे, मेरी क्या इज्जत रहेगी। क्योंकि उन्हें एहसास था इस बात का कि अल्लाह के दीन के बारे में कोई कमजोर बात नहीं कही जा सकती। ऐसी वो अपनी जात को जिबा करवा लेते थे लेकिन अल्लाह के दीन को जिबा नहीं करते थे। तो बात दूसरे में निकलती जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सिद्दीक अकबर ने सबसे पहला एहसान किया हम पर कि यह तसव्वुर दिया कि लोगों इंतखाब के बाद कोई आदमी बरसे इख्तदार नहीं आ सकता और वो कभी इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए उसे कि मैं तुमसे बेहतर हूं। बेहतर अल्लाह की जात है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, या फिर अल्लाह जी ने इज्तिमाइयत पर जमात पर अपना हाथ रखा है। इसे जो बात शूरा से सामने आएगी मशवरे से उसमें खैर होगा। दूसरी बात जो उन्हें फरमाई वो बड़ी जिम्मेदारी की बात है। फरमाया लोगों, मैं तुम्हारा अमीर बनाया गया लेकिन जिस तरह तुम अल्लाह और रसूल के अहकाम के पाबंद हो, मैं तुमसे बढ़कर पाबंद हूं। और शायद मुझ पर पाबंदी दुगनी है कि तुम तो सिर्फ अल्लाह और रसूल के अहकाम की पाबंदी करोगे ना, मैं पाबंदी करूंगा भी करवाऊंगा भी। तुम तो नमाजें पढ़ोगे, मैं पढ़वाऊंगा भी। तुम तो ज़कातें दोगे, मैं ज़कातें वसूल भी करूंगा। तुम्हें तो अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी समझना चाहिए, मैं नाफरमानों का सर तोड़ूंगा, मैं किसी को इसका हक नहीं दूंगा। इसलिए कहा कि मैं अल्लाह और रसूल की फर्माबरदारी करूंगा और जब तक मैं फर्माबरदारी करूं और अल्लाह और रसूल के अहकाम की तरफ मैं बुलाऊं, तुम्हें दावत दूं कि लोगों खुदा और रसूल के अहकाम की पैरवी करो,
तो मैं ये कमजोरियां पैदा हो रही हैं, खत्म करो इन्हें। कहा जब तक मैं ये काम करता रहूं तो तुम मेरी इताअत करना, जब तक मैं ये काम करूं क्या अल्लाह रसूल की इताअत करूं तो तुम पर मेरी इताअत लाजिम, और जब मैं अल्लाह रसूल की इताअत छोड़ दूं फिर याद रखो मेरी इताअत तुम पे लाजिम नहीं। इसका साफ मतलब क्या था कि मुझे उस वक्त मासूम कर देना, क्योंकि तुमने तो मुझे जो अपना अमीर बनाया है ना, तो इसलिए तो नहीं फरमाया कि मैं शैतान के रास्ते पर चलूं। तुमने मुझे अपना बड़ा चुना है तो इसलिए चुना है कि तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि तुम अल्लाह और रसूल के रास्ते पर सबसे चलने वाले बेहतर आदमी हो, और तुम इस मुल्क में अल्लाह की नाफरमानी नहीं होने दोगे, और अगर मैं जिम्मेदारी ना निभाऊं तो फिर मुझे क्या हक है कि मैं इतनी बड़ी मसलत पर फायज रहूं। कहा तो मुझे माजूर कर देना। और हसदी के अकबर का खैर एहतराम बहुत ज्यादा था, उनकी जात में जामियत भी बहुत थी, ऐसे उनके जमाने का तो ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता, लेकिन उमर फारूक के जमाने में चूंकि उम्मत बहुत फैल गई, कई मुल्क उनके खिलाफत में आ गए, ऐसे वो लोगों की तरबियत के लिए बात दफे ऐसे मौके खुद पैदा करते थे कि लोगों की तरबियत हो सके और गलतफहमियां निकल सके। आपने एक दिन अचानक बरसरे मिंबर लोगों से पूछा कि लोगों अगर मैं अल्लाह और रसूल के खिलाफ तुम्हें हुक्म दूं तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे? ये उन्हीं से पूछा जा सकता था, अगर हमसे पूछा जाता तो हमारे पास खामोशी के सिवा कुछ ना होता, बल्कि हम में कितने बड़े बड़े लोग होते जो आगे बढ़कर कहते जनाब हम आपकी इताअत करेंगे और क्या करेंगे। जब उम्मतें मरने लगती है ना उनका यही अंजाम होता। रूह जब टूटने के करीब था तो आपने यह ख्याल किया या नहीं किया कि किन चीजों ने से तोड़ा है? जो भी चीजें उनमें एक चीज यह भी थी कि जब एक दफा खरोशिये अपने साबिक गुजरने वाले लोगों के खिलाफ बोल रहा था, स्टालिन और लेनिन के खिलाफ, तो किसी ने चिट भेजी कि जनाब जब ये सब कुछ कर रहे थे और मुल्क के आईन के खिलाफ कर रहे थे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को फना कर रहे थे, आप उस वक्त कहां थे? अब जो आप खिलाफ बोल रहे हैं उस वक्त आप क्या कर रहे थे? तो खुरोशियम ने वो चिट लहराई मजमा आम में, क्योंकि पार्टी को खिताब कर रहा था। उन्होंने कहा ये शख्स जिन साहब ने मुझे लिखा है वो जरा खड़े हो जाए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अब किसी की मत मारी गई जो खड़ा होता या उसकी शामत आई थी, कोई नहीं खड़ा हुआ। खरोचिव करने लगा जो तुम इस वक्त कर रहे हो मैं भी यही करता था, वो भी यही करता था, उस वो लोग भी यही करते थे। नतीजा क्या हुआ? वो मम्लकत टूट गई। जिसमें खुशामदियों की अक्सरियत हो जाती है ना, और सोचने वाले लीड करने वाले चंद आदमी अपनी मन मर्जी करने लगते हैं। याद रखो उस उम्मत की उम्र कभी दराज नहीं होती। इसलिए उमर फारूक इस बात को रोकना चाहते थे कि कहीं इस उम्मत में यह खराबी ना पैदा हो, और जो आज हमने पैदा हो चुकी है। तो उमर फारूक ने जब पूछा कि लोगों अगर मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल के अहकाम के खिलाफ अहकाम दूं और अपनी जात को सामने रखूं बताओ क्या करो, तो जाहिर है कभी हुजूर के तरबी याफ्ता लोग मौजूद थे, बल्कि मैं कहूंगा इन खुराफात की तरबी याफ्ता लोग थे। उनमें से एक आदमी उठा, उन्हें तलवार बेनियाम की अपने नियाम से निकाली, फिजा में लहराते हुए कहा कि उमर जब तुम अपनी जात की तरफ हमें बुलाओगे ना, अल्लाह रसूल के खिलाफ हुक्म दोगे, तो अल्लाह की कसम है इस तलवार की नोक से तेरा दिमाग सीधा कर दूंगा। चुनाचे उसने अपनी बात को दो तीन दफे दोहराया, सहाबा को बल्कि नागवारी हुई, उनमें से बाद ने कहा कि बस बहुत हो गई बात, अब बस भी करो, तुमने अपना फर्ज अंजाम दे दिया। लेकिन उमर फारूक ने फरमाया कि नहीं, इसे कहने दो, ये नहीं कहेंगे तो बेमसरफ होंगे और हम नहीं सुने सुनेंगे तो बेमसरफ होंगे, हमारा फर्ज है कि हम सुने और इनका फर्ज है कि कहें। जिसमें दिमाग सीधे करने वाले उठ जाए ना
उसमें दिमाग फिर टेढ़े हो जाया करते। और यह बीज बोया हुआ सिद्दीक अकबर का था कि लोगों मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जब तक तुम्हें अल्लाह और रसूल की इताअत की तरफ बुलाऊं तो तुम पर मेरी इताअत लाजिम है, और जब उनसे हटकर अपनी जात की तरफ फिर मुझे माजूर कर देना। रुस्तम ने पूछा था सलीम इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और मुआज़ बिन जबल से भी कि क्या तुम्हारा कोई अमीर नहीं होता, क्या तुम्हारा कोई बादशाह नहीं होता, तुम जो कहते हो कि तुम ऊपर चढ़ के बैठे हो और सामने गुलामों की तरह तो लोगों को खड़ा कर रखा है, तो क्या तुम्हारा कोई बादशाह नहीं होता, वो नहीं बैठता इस तरह। उन्होंने कहा हमारा कोई बादशाह नहीं होता। उन्होंने कहा तुम्हारा काम कैसे चलता, कहा हमारा एक अमीर होता, उसके हम इताअत करते, उसको इताअत कराने का हक है लेकिन मशरूत हक, हम उस वक्त तक उसकी इताअत करते हैं जब तक वो अल्लाह और रसूल की इताअत करता है, और अगर अल्लाह और रसूल के हकाम को वो तोड़ने लगे, वो जिना करे खुदा न करे तो हम उसको संसार कर दें, वो चोरी करे तो हम उसके हाथ काट दें, वो अगर अल्लाह और रसूल के अहकाम का अमाल करे हम उसको माजूर कर डालें, वो हमसे बेहतर नहीं होता, हमारे साथ चटाई पर बैठता। बताइए ऐसी उम्मत को, रुस्तम भी कहता था इस उम्मत को कौन शिकस्त दे सकता। उन्होंने कहा तुम में से कोई बेहतर भी है इस उम्मत में? उन्होंने कहा खुदा करे कि मैं सबसे बुरा ना हूं। कहा सब अच्छे हैं मुझसे। कहा तुम ये क्या कह रहे हैं, मैं तो उनमें सबसे छोटा आदमी, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि सिद्दीक अकबर ने जिन बुनियादों को फराहम किया था वो असल चीजें क्या थी। एक और चीज उन्होंने फरमाई, फरमा लोगों मेरा काम यह है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलाऊं और तुम में से कमजोर आदमी का हक दिलवाऊं। जब तक कमजोर से कमजोर आदमी का हक नहीं मिल जाता वो मेरे नजदीक इस मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी, मैं उसका हक दिलवा के रहूं। और जो हक छीनता है किसी का, चाहे वो कितना बड़ा ताकतवर हो, क्या मेरे नजदीक इस मुल्क का सबसे कमजोर आदमी है, मैं उससे हक लेके रहूं, ये मेरा फर्ज है। यानी दो फर्ज है मेरे कि अल्लाह के दीन को मगलूब ना होने दो और तुम्हारे हुकूक को पामाल ना होने दो। तुम्हारा तो हक भी पामाल होगा, उसकी जिम्मेदारी हम पर रहेगा उसको बहाल करें। आप इस तरह के वाकत बेशुमार सुन चुके हैं कि जब हज के मौके पर उमर फारूक से शिकायत की एक लड़के ने, एक नौजवान लड़का था और वो मिस्र से आया, उन्हें कहा कि मैं किमती खानदान से ताल्लुक रखता जो फिरौन का खानदान था, अब मुसलमानों ने यह इलाका फतह कर लिया, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए, वहां अरब जाकर आबाद हो गए, हमारे भाई हैं, लेकिन न जाने क्या हुआ गवर्नर के बेटे को, असमर बिन आस के बेटे को, उसने मुझे 10 कोड़े मारे और साथ ही यह कहा है कि तुम्हें मालूम नहीं कि हम अरब के अशराफ हैं और हम अशराफ के बेटे, क्या हम बड़े लोग हैं। हस उमर फारूक ने फरमाया कि यहां मौजूद है वो आदमी, हस अमर बिन आस मौजूद है, उनका बेटा भी मौजूद है, उसको अपने पास बुलाया। हस अमर बिन आस गवर्नर है, जलील कदर साहबी हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फातह मिस्र है, कोई मामूली आदमी नहीं है, और अरब का दिमाग समझ जाते हैं। जिन तीन आदमियों को नहायत मुदब्बर कहा गया और मैं एक आदमी है, उनको बुला के पूछा उनके साहबजादे को कि तुमने मारा इस लड़के को? उन्हें कहा जी हां मारा, उससे गलती तो हो गई लेकिन साहबी का बेटा था, झूठ तो नहीं बोलता था। उन्हें कहा जी हां मुझसे गलती हुई, मैंने मारा इसे। उस लड़के से कहो कि कहा कि ये लो मेरा दुर्रा,
जितने जोर से तुमने तुम्हें इस इसने मारा था उसी कुव्वत के साथ तुम भी इसको पीटो। चुनाव अपने सामने उसको पिटवाया, 10 कोड़े लगवाए उसको। उसके बाद फरमाया कि एक दो कोड़े इसके बाप के सर पर भी लगा जो गवर्नर है। उन्होंने कहा कि अमीर मोमिनीन, जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी मैंने उसका बदला ले लिया, ये तो हमारे निहायत मोहतरम गवर्नर है, मैं इनके साथ ये गुस्ताखी कैसे कर सकता। पर मैं तुम न चाहो तो और बात है, वरना मैं चाहता हूं कि इसके सर पर भी मारूं। इसने उसके दिमाग में खंदास क्यों आने दिया कि वो अशराफ का बेटा, इसने क्यों तरबियत उसकी अच्छी नहीं। हम उसके बाद अमर बिन आस से बहम होकर फरमाया कि अमर, इन लोगों को इनकी माओ ने आजाद जना था, तुमने कब से इनको गुनाह बना लिया। यानी अंदाजा करें किस तरह एक एक आदमी की हिफाजत की जा रही। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह और रसूल के हुकूक की हिफाजत भी हो रही है। वो भी जाऊंगी ये वाकया छिड़ा तो साथ उसका भी जिक्र करूं। क्या सबर में रास ने सबर फारूक को खत लिखा, उन्होंने लिखा कि सख्त गर्मियों का मौसम आप देख रहे हैं और इस मौसम में आमतौर पर दरियाए नील खुश्क हो जाया करता और हमारे खेतों को सदी जरूरत है आप जारी की। और आप जानते हैं कि मिस्र तो गजाई मुल्क है, यहां बारिशें ना हो दरिया नील खुश्क हो जाए, ये तो गोया जान है इनकी, रीढ़ की हड्डी है इनकी, लेकिन जरात बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगी और मुल्क भूखों मर जाएगी। और इनमें एक बुरी रस्म यह है कि जब यह दरिया नील का पानी खुश्क हो जाता है तो यह आमतौर पर एक नौखेज लड़की को, दोशीजा को, अपने में से जिसको खूबसूरत समझते हैं उसको चुनते हैं, और वो भी शायद अपने लिए बड़ी सादत समझती है इसे, उसके मां बाप भी इसको बड़ी खिदमत समझते हैं, उस लड़की को दरियाए नील के अंदरमियान जिंदा ले जाकर जिबा कर दिया जाता है। और जब तक उसका खून दरियाए नील को नहीं दिया जाता तो दरियाए नील जो इनका देवता है यह समझते वो खुश नहीं होता और वो इनको पानी नहीं देता। अब देखो अगर वो मुसलमानों के जाने के बाद भी वहां ये शिर्क होता, अल्लाह का हक कहां रहता। अगर किब्ती के बेटे का हक पामाल होने से बचाना जरूरी था तो अल्लाह की तौहीद को बचाना तो पहले जरूरी था। इसलिए साहबों ने खत लिखा समर को कि मैं क्या करूं, वह दिन करीब आ रहा है और मिस्री मुझे मजबूर कर रहे हैं, क्या हमें इजाजत दी जाए वरना हम तबाह हो जाएंगे। आपने एक तो हसमर हस्तमर को खत लिखा, कहा सब मुसलमानों से कहो अल्लाह से दुआएं मांगे, पानी उसके हाथ में है, दरियाए नील के हाथ में नहीं, हर कुव्वत का मालिक हुआ। और दूसरा खत लिखा दरियाए नील के नाम, और लिखा कि मैं उमर अल्लाह का एक अदना गुलाम हूं लेकिन मुसलमानों का जिम्मेदार बनाया गया, मैं तुम्हें अल्लाह का गुलाम और मुसलमानों के अमीर की हैसियत से हुक्म देता हूं कि चूंकि इन मुल्कों का वाली मैं हूं तो तुम मेरे बात अहद भी हो अल्लाह के बाद। तुम्हें हुक्म देता हूं कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से बह रहे थे आज तक और खलके खुदा को उसके हुक्म के तहत तुम पानी देते थे तो मैं उसका अदना गुलाम होने की हैसियत से तुमसे पानी का मुतालबा करता हूं और तुम्हें बहना शुरू कर देना चाहिए। और अगर तुम अपनी मर्जी से बहते थे तो हमें तुम्हारे पानी की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह खुद बारिश से बरसा देगा, तो बंद रखो अपना पानी। और अस्तमर को लिखा कि मेरा यह खत जाकर दरियाए नील की रेत में दफन कर दो और फिर देखो अल्लाह की जानिब से क्या होता। दफन करने वाले अभी तो उसके किनारों तक नहीं पहुंचे थे कि देखा कि दरिया का पानी मौजे उठाता हुआ बहता चला आ रहा। ये मैंने एक झलक दिखाई है उन साहबा की, अपने खुलाफा की, कि असल चीज जिसके मुहाफिज थे वो लोग और जिन बुनियादों को उन्हें उजाला और उछाला है वो क्या चीजें थी, और शायद वही हमसे रूठती जा रही, कहीं हम उनसे महरूम तो नहीं होते जा रहे। कुछ सोचो, कहीं ऐसा ना हो
کہ جو اصل ہماری بنیادیں یا اصل ہماری شناختیں تھیں وہی ہم سے نکل جاتے. باقی نہیں کہ بات کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے لیے واویدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واویدہ ان باتوں کا کرو جن کی بنیادوں پر ہماری شناخت قائم. گھر میں کیا تھا جو تیرا غم اسے ویراں کرتا, وہ جو ایک رکھتے تھے حسرت تعمیر, سو ہے وہ حسرت تعمیر زندہ رہنی چاہیے. اگر ہمارے اندر تعمیر کا جذبہ باقی رہا تو کوئی نہ کوئی راستہ بھی بنا لے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جذبے کو تلاش کرو گے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. مسلمانوں کی شناخت بڑھتی جا رہی ہے, ان کی بنیادیں ڈھاتی جا رہی ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اس سے بالکل تہی دامن کر دینا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ میری باتیں ٹھکانے لگے اور دلوں میں اترے, اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.